बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आज मैं बीफ कोफ्ते और लोग्गा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये कोफ्ते बना लिए, पहले तैयार करके रख लिए। और ये जो लोग्गा लिया है, इसको मैं एक घंटे के लिए पानी में भिगो दूंगी। और ये मसाले हैं, एक चम्मच मिर्ची पाउडर है, एक चम्मच धनिया पाउडर है, आधी चम्मच नमक है और आधी चम्मच हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला है साथ में। और ये दो बड़े प्याज ले लिए, लहसुन की गट्ठी है और अदरक है और टमाटर है। टमाटर अदरक और लहसुन को मैं पेस्ट बना लूंगी इसका। ये लोग्गा मैंने भिगो के रख लिया हुआ है और दो तीन पानी धो भी लिया है। अब मैं इसको कुकर में डाल दूंगी और ये पानी शामिल कर दूंगी आधा किलो के करीब गलाने के लिए लोग्गे को। अब मैं चूल्हा जला और कुकर ऊपर रख दूंगी। जितनी देर में लोग्गा गलेगा, इतनी देर में मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लूंगी। कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैं ये ढक्कन बंद कर दूंगी कुकर का और 20 मिनट के लिए रख दूंगी गलने के लिए। तैयार हो गए चम्मच ऑयल के डाल दूंगी और ये प्याज डाल दूंगी। हल्का गोल्डन होने तक इनको भूनूंगी, फ्राई करूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी, ये अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट मैंने बना कर रख लिया। जब प्याज गोल्डन हो जाते हैं तो फिर ये शामिल करूंगी। प्याज माशाल्लाह से गोल्डन हो गए हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन और टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। मसाला मैंने भून लिया है, अब इसमें ये मसाले डाल दूंगी, मिर्च नमक और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और ये कोफ्ते इसमें शामिल करूंगी। और हल्के हाथ से इनको चमके को घुमाऊंगी 10 मिनट के लिए इनको पकने दूंगी। कोफ्ते मैंने भून लिए हैं, माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। मसाला बन के बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये लोग्गा जो गला के रखा हुआ था, ये इसमें शामिल कर दूंगी। जितना आपको शोरबा पसंद हो उतना पानी कम या ज्यादा कर सकती है। अब मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी 5 मिनट के लिए, फिर डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह से लोग्गा और कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं और अंडे भी मैंने शामिल कर लिए हैं इसमें, तो बहुत मजे के बने हैं। आप भी अपने घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें।